नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। देखिए, अब 2026 से ही पटना में मेट्रो जो है वो दौड़ने लगेगी। जी, आप देख रहे होंगे कि पूरे पटने में मेट्रो का काम जो है वो चल रहा है और सभी के मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अब कब है पटना में मेट्रो जो है वो दौड़ने लगेगी। तो बता दें, 2026 से पटना में मेट्रो दौड़ने लगेगी। इस बारे में खुद ही आपको बता दें कि तो मेन सेंटर जो है वो पटना के मोइनुल हक स्टेडियम के पास अंडरग्राउंड सेंटर जो है वो बनाया गया है और इसका उद्घाटन भी खुद बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने मिलकर किया था। जी हाँ, बता दें आपको कि महावीर टीवीएन का बटन दबाकर अंडरग्राउंड मेट्रो निर्माण का शुभारंभ किया गया। और देखिए, अधिकारियों को भी साफ तौर से निर्देश दे दिया गया है कि जो भी काम अभी पड़ा हुआ है वो जल्दी जल्दी से इसे पूरा करें। और अब ये कहा जा रहा है कि 2026 से पटना में मेट्रो जो है वो दौड़ने लगेगी। साफ तौर से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को महावीर टीवीएम का बटन दबाकर अंडरग्राउंड मेट्रो के निर्माण का शुभारंभ किया और मोइनुल हक स्टेडियम से जमीन के अंदर जाने वाला टीवीएम 5 महीने बाद पटना विश्वविद्यालय के पास निकलेगा। यह मिट्टी काटने के साथ ही कंक्रीट और सीमेंट का टर्मिनल भी बनाएगा और इसी के साथ यह भी आपको बता दें तो पटना में 2026-27 से मेट्रो दौड़ने लगेगी। वहीं जंक्शन से रुकनपुरा तक अंडरग्राउंड मेट्रो के निर्माण के लिए टेंडर जल्द निकालेगा। और बता दें आपको कि इस दौरान मुख्यमंत्री ने मेट्रो के अधिकारियों को निर्माण कार्य में तेजी लाने का निर्देश जो है वो भी दिया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल अंडरग्राउंड कार्य को शुरू किया गया था और अब आगे का काम शुरू हो गया है। जितनी जल्दी पटना मेट्रो का निर्माण हो जाएगा उतना ही अच्छा होगा और आम लोगों को आने जाने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा होगी, उन्हें किसी भी तरीके से कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगी। इसी के साथ नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय जब दिल्ली में मेट्रो का निर्माण कार्य हो रहा था तो उन्होंने उस काम को देखा है और यहाँ पर अब पटना मेट्रो का निर्माण भी वही के लोग जो है वो कर रहे हैं। उन्होंने तमाम चीज़ों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए 3 खास बातें हैं, जो कि एक केंद्र और राज्य और जायका से उन्हें फंड जो है वो भी मिल रहा है। और उन्होंने यह भी कहा कि पटना में मेट्रो का जो काम हो रहा है इसके लिए फंड की कहीं से भी कोई भी कमी जो है वो नहीं है। उन्होंने साफ तौर से बताया कि फंड की व्यवस्था पहले से ही हो रखी है। जायका से 60% फंड आना है, एग्रीमेंट हो गया है और वही 2 वाटर लेवल से नीचे बनाई जाएगी सुरंग। नगर आवास विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुणेश चावला ने बताया कि मोइनुल हक स्टेडियम से 2 टर्नल बोरिंग मशीन जमीन के अंदर उतारी जा रही है और यह वाटर लेवल के नीचे सुरंग बनाकर 5 महीने में पटना विश्वविद्यालय के पास निकलेगी। तमाम चीज़ों की जानकारियां भी उन्होंने दी है और बताया कि जहां एक तरफ सड़क बनेगी तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि पीएमसीएच होते हुए गांधी मैदान तक ये जाएगी। और तीसरे के बारे में उन्होंने बताया कि पटना में 12 अंडरग्राउंड स्टेशन जो है वो बनाए जाएंगे और तमाम चीज़ों की जानकारी उन्होंने दी और बताया कि किस तरीके से इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार 40% हिस्सा खर्च करेगी और निर्माण कार्य पूरा होने में अभी जो है 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो देखिए, इसके लिए अधिकारियों को भी सीएम नीतीश कुमार ने निर्देश दे दिया है कि पटना में जो मेट्रो का काम चल रहा है उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करें। और अभी ये बात साफ हो गई है कि 2026 से पटना में मेट्रो जो है वो दौड़ने लगेगी। अब यहाँ पे भी दिल्ली के जैसे पटना में मेट्रो का जो परिचालन है वो शुरू हो जाएगा और जो लोगों को कहीं भी आने से जाने में दिक्कत होती थी वो नहीं होगी, क्योंकि उसके लिए सीएम नीतीश कुमार ने भी साफ तौर से कह दिया है कि जो लोगों को दिक्कत होती थी वो नहीं होगी, उन्हें काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलेगी। और इसको लेकर भी उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें कहाँ कहाँ से फंड मिल रहा है, फंड की कोई भी कमी नहीं है और इसके लिए पहले ही सारा काम जो है वो हो गया है और 2026-27 तक अब इस तरीके से काम जो है वो पूरे होने की बात जो है वो भी कही जा रही है। तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, फेसबुक पेज को लाइक कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।